हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ बेस्ड ऑन द लाइन चार्जेस। और मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ। मेरे से अभी कई बच्चों ने पूछा कि सर, आप जिस तरीके से बाकी लोग फन करते हैं क्लास में, आप वैसे क्यों नहीं करते, आप एकदम सीरियसली पढ़ाते हो। बेटा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं नाम नहीं लूँगा, पर आपको पता है कि आजकल फनी टीचर्स बहुत आ रहे हैं। और हो ये रहा है कि आपको अगर कहीं से भी लगता होगा ये बात कि बड़ा अच्छा लगता है उनसे पढ़ने में, तो बेटा यहाँ पर एक बात है कि आपको क्या ये लगता है कभी भी कि वो बस टीचर्स जो हैं वो आपका IIT में सिलेक्शन करा पाएंगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन करा पाएंगे। बेटा, जिस तरीके से वो लोग पढ़ा रहे हैं उस तरीके से उन लोगों का कभी भी सिलेबस ख़त्म नहीं होने वाला, जितना वो आराम से स्लोली पढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से वो फ़न कर रहे हैं। और वो इतनी छोटी छोटी बातों को इतना ज़्यादा टाइम लेते हैं उन बातों में कि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते अगर हम प्रॉपर सीरियसली IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था, हम लोग जब पढ़ा करते थे तब ऐसा कोई कल्चर नहीं था, और इसलिए उस वक्त पे सिलेक्शंस और क्रीमी स्टूडेंट्स ज़्यादा थे जो काफ़ी अच्छे कैटेगरी में माने जाते थे। तो अब क्योंकि बच्चे इस तरीके के टीचर्स को प्रेफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों का भी लेवल जाता जा रहा है नीचे। और ऑब्वियसली पेपर JEE का ईजी हो गया पिछले सालों से, तो पैटर्न भी ईजी हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि अपन को यह अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, और इसलिए मैं ये कभी अप्रोच फॉलो नहीं करूँगा कि मैं जोकर गिरी दिखाऊँ। ठीक है, तो दैट इज़ माय मोटिव कि मैं रिज़ल्ट ओरिएंटेड पढ़ूँगा और सिर्फ काम की बात करूँगा और बाकी कोई भी बात या मजाक नहीं कर सकता। छोटी मोटी बातें चलती है, पर प्रोपोगंडा बना के मजाक करना मेरा काम नहीं है, और मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा। तो बस इसी नोट पे मैं आगे चालू करता हूँ कि मैं न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ लाइन चार्ज पे और सर्कुलर आर्क पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, इसमें बेटा सबसे पहले मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि इसमें आप लेट के लैम्डा बाय ए को आप ई मान लो, के लैम्डा बाय ए को ई मान लो, सही है। अब याद करो कि जो ये होता है आपका सर्कुलर सेमी सर्कल, इसकी फील्ड कितनी होती है, 2K λ/a। तो ये जो सर्कल है ना, लेट सपोज अपन क्या करते हैं कि अपन वायर्स को नाम दे देते हैं, वायर वन, ये वाला स्ट्रेट वायर जो है, ये वायर टू और ये वायर थ्री है ना, ये जो वायर है। और अब लिखेंगे फील्ड, तो बेटा टू की वजह से यानी सर्कुलर सेमी सर्कुलर वायर की वजह से फील्ड इस तरफ होगी E2, और E2 होगी 2E। अभी आपको दिखाया था 2K λ/a थी, ठीक है। वन की वजह से फील्ड जो होगी वो एक तो नीचे होगी, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट नीचे होगा, E1 कितना E, और पैरेलल वाला कंपोनेंट जो होगा वो पीछे होगा। समझ सकते हो आप, E2 कितना E, पीछे कैसे हुआ, क्योंकि ये वायर, ये जो परपेंडिकुलर है इसके इस साइड पे है वायर, तो ये पुश करेगा तो पीछे आएगा ना कंपोनेंट। उसी तरह से 3 की फील्ड जो होगी E वो ऊपर आएगी E3, और 3 का पैरेलल कंपोनेंट जो आएगा E3 वो पीछे आएगा। तो आप देख सकते हो बेटा कि नेट फील्ड कितनी हो गई, यहां पर नेट फील्ड X में 0, आगे 2E पीछे 2E, नेट फील्ड Y में भी 0, ऊपर ही नीचे E। तो ये बेटा कई बार क्या होता है, वैल्यूज रखने से पहले ही चेक कर लेना चाहिए, नेट फील्ड का मोस्टली 0 आती है।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे अपन। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको फिर से ओ पे निकालनी है फील्ड। तो वही हमारा तरीका है कि लेट के लैम्डा बाय ए इज इक्वल टू ई, है ना। तो ये जो वायर है, स्ट्रेट वायर ऊपर वाला, ये इसकी वजह से फील्ड एक तो नीचे होगी ई और एक पीछे होगी ई। ये जो नीचे स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से याद है आपको फॉर्मूला, इसकी वायर के एक्सिस पे फॉर्मूला होता था के लैम्डा बाय ए, तो वो होगी एक तो ऊपर ई, ठीक है। और जो ये आपका सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क, इसकी वजह से फील्ड ऐसे होगी कितनी 2e। तो बेटा नेट आपको दिख रहा है कि x में आ गई कितनी e, i कैप आगे की तरफ। अगर अपन मान लें कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो e आगे की तरफ हो गई, तो इसलिए अपन ने लिख दिया e i कैप। और जो y में है, y में आप देख सकते हो कि ऊपर ही नीचे ही, तो y में जीरो। तो अब e क्या है, k लैम्डा बाय, तो ई नेट आ गया के लैम्डा बाय ए आई कैप। ये आ गया बेटा आंसर इसका, इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं इस पे अपन। इस क्वेश्चन में वही ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले लिख देते हैं कि लेट के लैम्डा बाय ए इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट वायर है, ये वाला लेफ्ट साइड वाला, इसकी वजह से फील्ड इस तरफ होगी एक्सिस पे ई, और ये जो राइट साइड वाला स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से फील्ड इस तरफ होगी ई, और ये जो सर्कुलर वायर है, इसकी वजह से फील्ड नीचे होगी टू ई, सही है। तो नेट फील्ड कितनी आ गई, नेट फील्ड आ गई एक्स में तो कैंसिल हो गई ई और ई, नेट आ गई माइनस टू ई जे कैप। तो ई नेट आ गया माइनस टू के लैम्डा बाय ए जे कैप, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपका। अब आते हैं अगले पे। अगला है कि इस फिगर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे निकालनी है। तो बेटा यहाँ पर क्या है कि ये जो सर्कल है ना, ये यहाँ से कट हो रहा है थोड़ा, तो ये कट नेगलिजिबल है। यहाँ पर यही मानना है कि ये कट जो है नेगलिजिबल है, सही है। अगर कट नेगलिजिबल है, तो फिर से वही चीज़ कि लेट के लैम्डा बाय ए को ई मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू रिंग की वजह से जीरो होगी, पूरी कंप्लीट रिंग है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे जीरो होगी, मानते हो बात। अब क्या है, अब अगर अपन निकालें इस वायर की वजह से, तो एक ऐसी सिचुएशन है कि ये सिंपल वायर ये है और ये चार्ज्ड है, और जो पॉइंट है वो इसके जस्ट ठीक ऊपर है। यहाँ पे ये गैप का नेग्लिजिबल मान रहे इफेक्ट अपन, ठीक है ना। जरा पॉइंट, और इस पॉइंट पे फील्ड एक तो होगी ये वाला कंपोनेंट, है ना, ई, और एक ये कंपोनेंट ई, ये पैरेलल और ये परपेंडिकुलर। बेटा फार्मूला तो याद ही होंगे आपको, और याद नहीं है तो याद करो, सही है। अब जो दूसरा वाला वायर, यानी इसका मतलब ये हो गया कि रिंग की वजह से जीरो है, लेफ्ट साइड वाले वायर की वजह से एक ये कंपोनेंट ई, एक ऊपर ई, राइट साइड वाले वायर की वजह से एक पीछे ई, एक ऊपर ई। तो नेट फील्ड जो आ गई वो एक्स में तो जीरो आ गई,
और y में आएगी 2ej कैप, तो e नेट आ गया 2 into k lambda by a j कैप। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका आंसर। अब आते हैं अपन आगे। अभी एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले वही चीज लिख लेते हैं कि लेट e इज इक्वल टू k लैम्डा बाय a, है ना, और ये जो सर्कुलर आर्क है इसकी वजह से फील्ड नीचे होगी, मानते हो बात, एंगल बाई सेक्टर पर होती है फील्ड, तो E ड्यू टू रिंग, है ना, या आर्क बोल दू, E ड्यू टू आर्क, आर्क की वजह से जो E आएगा वो अपन लिखते हैं, तो वो फॉर्मूला आएगा आर्क की वजह से, यहां लिख देता हूं E आर्क, और E आर्क आएगा 2k λ/a, इसका रेडियस है sin θ/2। अब बेटा थीटा वो वाला एंगल होता है जो आर्क बना रहा है, तो ये कितना एंगल है 300 डिग्री, तो साइन 300 डिग्री/2, साइन 300 डिग्री/2। ठीक है, तो साइन कितना आ गया 2k λ/a साइन 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री जो है वो आप लिख सकते हो, ई आर्क आ गया 2k λ/a साइन 150 इज साइन 90 + 60। साइन 90 + 60 जो आ गया वो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस 60 हो गया, और कॉस 60 हाफ होता है, तो ये k λ/a आ गया। k λ/a को हमने क्या माना है, e, ठीक है, e माना है। तो अब जो ये स्ट्रेट वायर है ये वाला ये जो स्ट्रेट वायर है, ये जो स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से फील्ड ऐसे होगी और इसकी वजह से फील्ड ऐसे होगी, कितनी होगी E, है ना, और ये एंगल जो होगा, ये एंगल होगा 30, ये भी 30, है ना, तो ये कंपोनेंट E साइन 30 और ये कंपोनेंट E साइन 30, ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे 2e cos 30, तो नेट फील्ड आ जाएगी। अब नेट फील्ड देखो x में तो आ नहीं रही है, तो नेट फील्ड आएगी ऊपर की ओर कैसे, 2e cos 30 - ej कैप, तो नेट फील्ड आ गई 2, है ना, सबसे पहले e कॉमन ले लो, तो 2 √3/2 - 1 j कैप, e नेट आ गया e इंटू √3 - 1 j कैप, और e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है k λ/a √3 - 1 जे कैप। ये आ गया बेटा इसका आंसर। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों जैसे फिगर दिया हुआ है आपको, ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बेटा अब अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर ये स्ट्रेट वायर हो सिंगल, है ना, और इस पे चार्ज हो, चार्ज डेंसिटी कितनी हो लैम्डा,
और पॉइंट यहां पे हो। ये पॉइंट हो, ठीक है, हमें फील्ड निकालनी है यहां पे। तो बेटा सबसे पहले ये जो परपेंडिकुलर और वायर के सेंड को मिलाने वाली लाइन है, ये परपेंडिकुलर और वायर के सेंड को मिलाने वाली लाइन, इनमें जो एंगल है, ये एंगल देखो, तो ये एंगल जो है ये 30 है, तो ये एंगल हो गया 60, है ना। और ये डिस्टेंस हो गई a cos 60, यानी a बाय 2। और दूसरी तरह से वायर जा रहा है इन्फिनिटी पे, तो दूसरा एंगल हो गया आपका 90। तो 5-1 हो गया, एक एंगल हो गया 60 और दूसरा एंगल हो गया 90। बेटा देखो कैसे 60 हुआ, क्योंकि याद करो वही केस, हम ये एंगल किसके बीच में देखते हैं, एक तो ये परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से वायर के एक एंड को मिलाने वाली लाइन में, और दूसरे एंड को मिलाने वाली लाइन तो ये जा रही है, तो परपेंडिकुलर इस लाइन में एंगल 90 डिग्री है ना। तो जो ई परपेंडिकुलर होगा यहां पर, ई परपेंडिकुलर, और ये होगा ई पैरेलल। तो बेटा ई परपेंडिकुलर क्या होगा, याद करो फॉर्मूला, के लैम्डा बाय ए साइन बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल, माइनस आता था साइन में, तो ई परपेंडिकुलर जो होगा, अच्छा ई पैरेलल इनफैक्ट ऊपर होगा, वो मैंने नीचे बना दिया, उसको अपन लिख देंगे अभी, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर ये आ गया, और ये इसकी वैल्यू आ गई के लैम्डा बाय ए 1 माइनस साइन 60 रूट 3 बाय 2, और ई पैरेलल हो गया, वो ऊपर आएगा क्योंकि वायर नीचे है तो वो ऊपर पुश करेगा, के लैम्डा बाय ए कॉस छोटा एंगल माइनस बड़ा एंगल, छोटा एंगल है 60 माइनस बड़ा एंगल है 90, तो ये हो गया ई पैरेलल के लैम्डा बाय 2a, सही है। यानी नेट फील्ड अगर देखे जाए, है ना, तो देखो सबसे पहले ये तो हो गया e बाय 2, जहां पे हम बार बार e किसको मान रहे हैं, e मान रहे हैं लेट e इज इक्वल टू के लैम्डा बाय a, तो ये तो हो गया e बाय 2, सही है। और ये हो गया e इंटू 1 माइनस रूट 3 बाय 2, ठीक है, पैरेलल परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। तो बेटा अपन लिखते हैं कि यहां पे e परपेंडिकुलर इस वाले वायर का इस तरफ होगा, और e परपेंडिकुलर इसका इस तरफ होगा, और दोनों का ही e पैरेलल ऊपर होगा, तो 2e पैरेलल हो गया। और ये जो रिंग है, आर्क है, इसका e नीचे होगा, इसका रेड कलर से लिख रहा हूं, इसका e कितना होगा, अभी अभी अपन ने देखा था पिछले क्वेश्चन में, इसका e होगा, कैसे आया था e आर्क आया था 2k लैम्डा बाय a साइन 150 डिग्री, तो आ गया के लैम्डा बाय ए जो कि ई हो गया, आ गया। तो आप देख सकते हो एक्स में जीरो हो गई फील्ड, ई परपेंडिकुलर कैंसिल, और वाई में भी अगर लिखूं तो 2e पैरेलल ई बाय 2 है, माइनस ई आर्क कितना है ई, तो y में भी नेट फील्ड कितनी आ रही है, जीरो। ये था बेटा क्वेश्चन।
अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि दो इन्फिनेटली लॉन्ग वायर हैं, ये जंप करके जा रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, जंप करके जा रहा है, और एक ही है, और ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये 0.0 है ओरिजिन, और पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ए कॉमा ए, तो ये मिटाता हूँ, हमको तो पता ही चल गया कि ए कॉमा ए। तो बेटा इसकी वजह से ये जो वायर है, इसकी वजह से, अच्छा क्योंकि ये इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है, दोनों जगह से ऊपर से भी नीचे से भी वायर की लेंथ इन्फिनिटी है, तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, ई परपेंडिकुलर, कितना होगा 2k λ/a, ये डिस्टेंस ए है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं ए कॉमा ए, तो ये कैसा आया sin 90 2 हो गया। और जो नीचे वाला वायर है हॉरिजॉन्टल, इसकी वजह से जो ई आएगा वो ऊपर आएगा, ई परपेंडिकुलर कितना 2k λ/a, तो वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो ई नेट कितना आएगा, ई नेट आएगा वेक्टर फॉर्म में 2k λ/a आई कैप प्लस 2k λ/a जे कैप, सही है। और अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट करके स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वही सिचुएशन पर, वायर अब इन्फिनाइट लेंथ के दोनों तरफ से नहीं है, है ना, सेमी इन्फिनाइट वायर बोल सकते हो, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट 0.0 ओरिजिन है, और पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक वो बना लेते हैं लाइंस, ठीक है, ये लाइंस मैंने बनाई। अब सबसे पहले एंगल्स देखते हैं, तो फर्स्ट वाले वायर के लिए जो वर्टिकल है इसके लिए एक एंगल तो 90 है, और दूसरा ये है मतलब अल्फा, और जो वायर हॉरिजॉन्टल है इसके लिए एक एंगल 90 है और दूसरा ये एंगल है बीटा, क्लियर एकदम। तो बेटा अब अच्छा एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, अपन इसको लिख लेते हैं अलग से, इसको मिटा देते हैं ताकि थोड़ा सही दिखे, है ना, ये डिस्टेंस वाई है और ये डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। अब जो ये वाला वायर है वर्टिकल वाई एक्सिस वाला, इसकी वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे ईवन है ना, ये किसकी वजह से है, वर्टिकल वाई वाले वायर की वजह से, और ईवन परपेंडिकुलर बोल देता हूँ, ये वन है ये टू है, और वन की वजह से, वन वायर की वजह से पैरेलल कंपोनेंट नीचे आएगा, क्योंकि नीचे कैसे आएगा, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर बड़ा वायर है तो वो पुश नीचे करेगा, तो ये आ गया E1 पैरेलल, ठीक है। अब आते हैं अपन एक्स एक्सिस वाले वायर की वजह से, इसकी वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर आएगा E2 परपेंडिकुलर, और पैरेलल वाला कंपोनेंट पीछे आएगा E2 पैरेलल, ठीक है बच्चों। अब बताओ कि E1 जो है परपेंडिकुलर वो कितना हुआ, E1 परपेंडिकुलर वो हुआ 1 की वजह से परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, K
के लैम्डा बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा इस पॉइंट पी की वन से एक्स, और एक एंगल 90 है और एक एंगल अल्फा है, तो ई वन परपेंडिकुलर कितना आ गया के लैम्डा बाय एक्स साइन 91 और साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हो गया वाई, हाइपोटेन्यूस हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही ई वन पैरेलल जो आएगा वो के लैम्डा बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस वन से तो एक्स ही है और कॉस ऑफ छोटा एंगल माइनस कॉस ऑफ बड़ा एंगल, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है, तो ई वन पैरेलल कितना आ गया के लैम्डा बाय ए कॉस अल्फा, कॉस अल्फा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है एक्स है ना, और ये नीचे भी एक्स आएगा, अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा के लैम्डा बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ई टू परपेंडिकुलर कितना आएगा के लैम्डा बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम टू वाई है और साइन 90 प्लस साइन बीटा, तो ई टू परपेंडिकुलर कितना आ गया बेटा के लैम्डा बाय ए साइन 90 हो गया वन, साइन बीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हो गया एक्स और ये ए की जगह आ जाएगा वाई और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ई टू पैरेलल आ जाएगा के लैम्डा बाय वाई कॉस छोटा एंगल माइनस कॉस बड़ा एंगल, ई टू पैरेलल आ गया के लैम्डा बाय वाई कॉस ऑफ छोटा एंगल, छोटा एंगल बीटा, कॉस बीटा कितना होगा वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ई टू पैरेलल कितना आ गया खाली के लैम्डा बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा नेट फील्ड जो आएगी, नेट फील्ड कितनी आएगी एक्स में, एक्स में नेट फील्ड आएगी ई वन परपेंडिकुलर माइनस ई टू पैरेलल आई कैप। अब ई वन परपेंडिकुलर कितना है, ई वन परपेंडिकुलर हो गया के लैम्डा बाय एक्स वन प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ई टू पैरेलल, ई टू पैरेलल कितना है, ई टू पैरेलल है के लैम्डा बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ई वाई कितना आ गया, ई वाई आ गया ई वाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ई टू परपेंडिकुलर, ई टू परपेंडिकुलर हो जाएगा के लैम्डा बाय वाई वन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, माइनस के लैम्डा बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इवन पैरेलल, ये हो गया बेटा आंसर। अब इसको आप आई कैप जे कैप में लिख सकते हो। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है पॉइंट ओ पे, ये रहो, और ये दो वायर ए शेप बना रहे हैं और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से ओ की डिस्टेंस डी है और ये जो बीच में दो एंगल दिख रहे हैं ये 30-30 डिग्री हैं और वायर्स की चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा। तो बेटा मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए दो अलग से फिगर बनाए हैं, तो यहाँ मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना है,
ये डिस्टेंस है डी साइन 30, दिख रहा है आपको? ये डिस्टेंस हो जाएगा डी साइन 30, तो डी साइन 30 कितना हो जाएगा? डी बाई टू, ठीक है ना? ये डी है, ये डी कॉस 30 हो गया और ये डी साइन 30 हो गया, है ना? अब बनाते हैं एक वायर का पैरेलल, ये वायर के पैरेलल है लाइन, ठीक है? तो एक कंपोनेंट तो जो होगा वो ऐसे होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट पैरेलल वाला आप देख सकते हो कि ऊपर की साइड होगा। ऊपर इसलिए होगा क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द वायर है वो परपेंडिकुलर के नीचे है। सिमिलरली अगर अपन इसमें बनाए, ये बना दें अगर अपन, तो इसके अंदर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो ऐसे होगा और पैरेलल वाला कंपोनेंट ऊपर की साइड होगा, ठीक है बात? अब परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा कितना? तो बेटा ई परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा के लैम्डा बाय ए। अब ए कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? डी साइन 30, डी बाय टू, और एक एंगल साइन 90 प्लस दूसरा एंगल, दूसरा एंगल कौन सा होगा? सोचो ये जो वायर है, है ना, इसके एक एंड से इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल, ये लाइन और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, सही है? तो दूसरा साइन 60 डिग्री, मानते हो बात? तो ई परपेंडिकुलर हो गया 2 के लैम्डा बाय डी साइन 91 प्लस साइन 60 रूट 3 बाय 2, तो ई परपेंडिकुलर हो गया के लैम्डा बाय डी 2 प्लस रूट 3। ऐसे ही ई पैरेलल हो जाएगा के लैम्डा बाय डी बाय 2 कॉस छोटा एंगल माइनस कॉस बड़ा एंगल, तो छोटा एंगल कितना है? कॉस 60, कॉस बड़ा एंगल कितना है? 90। तो E पैरेलल हो जाएगा 2 के लैम्डा बाय डी कॉस छोटा एंगल 1 बाय 2 कॉस 90 0। तो E पैरेलल आ गया के लैम्डा बाय डी, ठीक है बेटा? के लैम्डा बाय डी। अब अगर अपन इसको सॉल्व करें कि नेट कितना आएगा, तो बेटा इसके लिए थोड़ा सा एक्सिस बनानी पड़ेगी, जैसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये एंगल कितना है बेटा? ये एंगल 30, सही है ना? एंगल 30 और ये एंगल कितना है? ये 60 है, ये 30, ठीक है बात? ये 90, ये 30, ये 60, ये 30, ठीक है बच्चों? तो अब यहां पे नेट फील्ड अगर बनाऊं,
तो ई पैरेलल, एक तो ये हो गया और ई पैरेलल एक ये हो गया, और ये एंगल हो गया 30, ये एंगल हो गया 30, और ई परपेंडिकुलर एक तो ये हो गया, ये हो गया एंगल 30, और ई परपेंडिकुलर ये हो गया, ये एंगल हो गया 30। ठीक है बच्चों, तो बस अब आप देख सकते हो कि ई पैरेलल का ये कंपोनेंट एक्स पे और ई पैरेलल का पीछे एक्स पे कंपोनेंट, ई परपेंडिकुलर का एक्स पे कंपोनेंट, ई परपेंडिकुलर का एक्स पे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे चारों, ई पैरेलल का एक्स कंपोनेंट ई पैरेलल के एक्स कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर का एक्स कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर के एक्स कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा, तो नेट सिर्फ वाई में आएगा, तो नेट आएगा 2e पैरेलल cos 30 माइनस 2e परपेंडिकुलर sin 30, 2e पैरेलल cos 30 माइनस 2e परपेंडिकुलर sin 30। ठीक है, तो y में आ गया नेट। अच्छा, अगर अपन इसको और ढंग से लिख दें तो अगले पेज पे लिखता हूं मैं कि नेट आ गया वाई में टू ई पैरेलल कॉस 30 माइनस टू ई परपेंडिकुलर साइन 30। ई नेट आ गया 2e parallel cos 30 minus 2e perpendicular sin 30। ठीक है, j cap, तो e net आ गया 2 common, e parallel की value देखो आप, e parallel की value है k lambda by d, तो k lambda by d cos 30 कितना होता है root 3 by 2 minus e perpendicular की value है, e perpendicular की value कितनी है k lambda by d 2 plus root 3, तो k lambda by d 2 plus root 3 j cap। ठीक है, तो अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें अपन साइन थीटा भी लगा देते हैं, साइन 30 कितना होता है 1/2। अब अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे k लैम्डा बाय d इनटू रूट 3 माइनस k lambda by d और प्लस k इनफैक्ट माइनस माइनस k lambda by d इंटू रूट 3 बाय 2 j cap, तो e net आ गया k lambda by d common रूट 3 बाय 2 माइनस 1। चेक कर सकते हो बेटा आप, रूट 3 माइनस रूट 3 बाय 2 आएगा, तो रूट 3 बाय 2 माइनस 1 जे कैप, ये आ गया आपका आंसर। अब आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आप नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है जिस पे पहले क्वार्टर में लैम्डा लैम्डा है, दूसरे में 2 लैम्डा है, तीसरे में 3 लैम्डा है, चौथे में 4 लैम्डा है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले कि अपन एक क्वार्टर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं कितना होता है।
है ना, एक वाटर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कितना होता है और किधर होता है। तो इस क्वार्टर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एंगल वाई सेक्टर पे होता है और ये एंगल 45 डिग्री होता है और ई होगा के सॉरी 2k लैम्डा बाय ए साइन 90/2। तो ई हो गया √2k लैम्डा बाय ए, समझ गए आप। और ये एंगल भी कितना होता है 45। तो लेट सपोज साइन 45 तो 1/√2 हो गया तो वो √2 से कैंसिल हो गया। तो लेट सपोज इसकी वजह से, अच्छा क्योंकि चारों चार्ज प्लस ही हैं तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो ऐसे होगी, है ना, कितनी ई मान लो, जो ये 2 लैम्डा इसकी वजह से फील्ड ऐसे होगी, इसको 2e हो जाएगा ना ये, क्योंकि अगर इसमें लैम्डा आ रहा है, इसमें लैम्डा आ रहा है तो जब ये लैम्डा 2 लैम्डा होगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह 3 लैम्डा की फील्ड ऐसे होगी 3e और 4 लैम्डा की फील्ड ऐसे होगी 4e, सही है। तो नेट कितना आया बेटा, नेट ऐसे आ गया 2e, 4e माइनस 2e और ऐसे आ गया 2e और ये एंगल हो गया 45, ये एंगल हो गया 45। तो 2e का ये कंपोनेंट 2e sin 45 कैंसिल, तो e नेट आ गया y में 4e cos 45 j कैप, तो e नेट आ गया 4। e क्या था, √2k λ/a cos 45 1/√2 j कैप, तो हो जाएगा 4k λ/a j कैप। ये आ गया बेटा इसका आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, काफी इजी था, कुछ टफ था नहीं इसमें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये, तो इसमें ये तो बड़ा ही सिंपल दिखता है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ऊपर इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा और नीचे सेमी सर्कुलर रिंग है जिसकी चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा। तो ऊपर वाली रिंग सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से फील्ड जो होगी वो नीचे होगी, जहाँ पे अगर ई जो है वो के लैम्डा बाय ए होता है तो सेमी सर्कुलर रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2k λ/a, तो ये 2 ही हो गया। और जो ये माइनस लैम्डा है ये भी तो खींचेगा तो ये 2 ही हो गया, तो ई नेट आ गया अपना -4e j कैप, तो ई नेट आ गया -4k λ/a j कैप। ये आ गया आंसर बेटा, बड़ा इजी था ये तो। इस क्वेश्चन में बच्चों हमको लैम्डा जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ ये वेरिएबल दिया हुआ है और यह है लैम्डा नॉट साइन थीटा और हमें इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि एक एलिमेंट मानते हैं सबसे पहले, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो एक एलिमेंट माना ये, इसका चार्ज होगा डी क्यू, होगा लैम्डा डी एल, मान लो इसकी लेंथ है डी एल, तो डी क्यू होगा लैम्डा ए डी थीटा, डी एल की वैल्यू ए डी थीटा, ए रेडियस है,
ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वजह से, एलिमेंट की वजह से, वो होगी DE, और ये एंगल है थीटा, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट होगा वो होगा इंटीग्रेशन DE cos थीटा, है ना। लिमिट क्या लगा दूं, 0 से 2 पाए, थीटा की लिमिट सोचो, थीटा यहां पे 0 और पूरा घूम के यहां पे 2 पाए, तो ex हो गया इंटीग्रेशन DE, DE की वैल्यू k dq बाय a स्क्वायर, सही है, और cos थीटा। dq की वैल्यू लिमिट बाद में लगा देंगे, चलो लगाते चलते हैं, 0 से 2 पाए, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाए के dq की वैल्यू होगी लेमडा a d थीटा, लेमडा की वैल्यू है लेमडा नॉट a साइन थीटा cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ठीक है। तो ex आ गया के लेमडा नॉट बाय ए बाय टू, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और वो हो गया साइन 2 थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से 2 पाए, है ना। तो ई एक्स आ गया के लेमडा नॉट बाय 2a, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, है ना, और लिमिट लगा दूंगा 0 से 2 पाए। तो ex हो गया k लेमडा नॉट बाय 2a, इनफैक्ट अब हो जाएगा 4a, ठीक है। माइनस से लिमिट बदल दी, माइनस से लिमिट हमने कर दी 2 पाए से 0, तो ex आ गया बच्चों k लेमडा नॉट बाय 4a cos 0 माइनस cos 4 पाए, तो ex आ गया 0, cos 0 भी 0 होता है और cos 4 पाए भी 0 होता है, ठीक है। अब आते हैं अपन अगले पे, अब क्या है कि सिचुएशन ये है, y वाला निकालना है, तो y वाला निकालने के लिए ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, इंटीग्रेशन इनफैक्ट डी ई साइन थीटा, y वाला डी ई साइन थीटा, ठीक है। तो अब ई वाई डी ई की वैल्यू कितनी है, डी ई के डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू लैम्डा नॉट ए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो ई वाई आ गया के लैम्डा नॉट बाय ए बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से 2 पाए, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अपन आगे कि अब ई वाई आ गया के लेमडा नॉट बाय ए इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से 2 पाए, और ई वाई आ गया के लेमडा नॉट बाय ए। अब साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ये कैसे लिखा, कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ठीक है। तो ई वाई के लेमडा नॉट बाय
ए है ना, टू नीचे आ गया, और इंटीग्रेशन डी थीटा, और लिमिट जो लगाता हूँ, लिमिट लगा देता हूँ जीरो से टू पाए, माइनस इंटीग्रेशन कॉस टू थीटा, लिमिट जीरो से टू पाए, ठीक है। ई वाई आ गया के लैम्डा नॉट बाय टू ए टू पाए, माइनस कॉस टू थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन टू थीटा बाय टू, लिमिट जीरो से टू पाए, और ई वाई आ जाएगा के लैम्डा नॉट पाए बाय ए, के लैम्डा नॉट पाए बाय ए। अब बेटा ये चीज देख लो आप गौर से कि ये जीरो कैसे हुआ, ये टर्म जीरो ऐसे हुई कि साइन टू पाए रख दोगे तो साइन फोर पाए जीरो, और जीरो रख दोगे तो साइन जीरो भी जीरो, और यहाँ पे ये टू से टू गया के लैम्डा नॉट पाए बाय ए, तो ये आ गया बेटा आंसर। और ये फील्ड जो आ रही है नीचे की तरफ ही आ रही है, क्योंकि हमने कहाँ मानी थी, नीचे मानी थी, और ये प्लस आ रही है, तो ये डाउनवर्ड्स है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में जो है उस पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा अब जो लैम्डा है वो कॉस थीटा का फंक्शन है, और मेथड तो वही है, तो मेथड हम करते हैं स्टार्ट कि ये अपन ने एक एलिमेंट मान लिया, इस पे चार्ज है डी क्यू, डी क्यू होगा लैम्डा ए डी थीटा, तो डी क्यू होगा लैम्डा नॉट ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, ये डी क्यू लिख दिया अपन ने। इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी नीचे की तरफ डी ई, और इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ये एंगल थीटा, तो एक्स कंपोनेंट लिखेंगे तो वो हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और लिमिट लगा दूंगा जीरो से टू पाए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ई, डी ई की वैल्यू के डी क्यू बाय ए स्क्वायर कॉस थीटा, लिमिट जीरो से टू पाए, और डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी के लैम्डा नॉट ए कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, लिमिट जीरो से टू पाए, तो ई एक्स आ जाएगा के लैम्डा नॉट बाय ए बाहर, कॉस स्क्वायर को आप लिख दो वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू डी थीटा, ठीक है। अभी जो है क्या करो कि के लैम्डा नॉट बाय टू ए बाहर है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू थीटा डी थीटा, ठीक है, तो ई एक्स आ जाएगा के लैम्डा नॉट बाय टू ए है ना, लिमिट जीरो से टू पाए, लिमिट जीरो से टू पाए, ठीक है, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और टू पाए आ गया, प्लस कॉस टू थीटा का हो जाएगा साइन टू थीटा बाय टू, और लिमिट लग जाएगी जीरो से टू पाए, तो ई एक्स आ जाएगा के लैम्डा नॉट बाय ए इंटू पाए। अब साइन टू पाए रख दोगे तो साइन फोर पाए जीरो, और साइन जीरो भी जीरो, सही है। अब बेटा ई वाई निकालो, तो ई वाई आ जाएगा इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा जीरो से टू पाए, तो ई वाई आ जाएगा इंटीग्रेशन के डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू लैम्डा नॉट ए कॉस थीटा
साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो ई वाई आ जाएगा के लैम्डा नॉट बाय ए, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और वो हो गया साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया साइन टू थीटा, लिमिट जीरो से टू पाए। ठीक है, अब आगे आते हैं कि ये हो गया के ई वाई आ गया के लैम्डा बाय टू ए लैम्डा नॉट, और साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन आप देख सकते हो, हो जाएगा माइनस कॉस टू थीटा बाय टू, है ना, और लिमिट लगा देता हूँ जीरो से टू पाए। तो ई वाई आ गया माइनस के लैम्डा नॉट बाय फोर ए, है ना, कॉस फोर पाए माइनस कॉस जीरो, तो ई वाई आ गया जीरो, कॉस फोर पाए वन, कॉस जीरो वन। ये आगे बेटा आंसर कि y में जीरो और x में